चलिए फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल मेरी पढ़ाई में विद मेरी न्यूज़। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में भी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम टॉपर्स के बारे में। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टॉपर्स ऑफ UPSC। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। रामनगरी में गौरी गणेश की पूजन के साथ ही अनुष्ठान की शुरुआत भी हो चुकी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अपने राजनीतिक नक्शे में जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सर क्रीक को भी दिखाया है। जी हाँ, चलिए आगे की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अश्विनी कुमार तिवारी ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। जी हाँ, चलिए उसके बाद आगे की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री के आवास पे जो है हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया है ताकि सभी लोग सुखपूर्वक और निरोगी रहें और कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम कोयला मंत्रालय ने कॉमर्शियल कोयला खनन के लिए जारी टेंडर दस्तावेज के लिए एक शुद्धि पत्र जारी किया है चीनी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए। जी हाँ, अब हर तरफ से चीनी कंपनियों पर रोक लगाई जाएगी ताकि वो हमारे किसी भी तरह के डेटा को चोरी नहीं कर सकें या फिर उनसे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी तरह के। चलिए आगे बात कर लेते हैं। स्पाइसजेट अगले महीने से लंदन के लिए उड़ानें शुरू करेगी। उसी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर स्लॉट मिल गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार परीक्षा में प्रदीप सिंह ने टॉप किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्रदीप सर। चलिए आगे बात कर लेते हैं आगे न्यूज की। चलिए, गूगल का नया स्मार्टफोन पिक्सल A4 अक्टूबर में भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। जानिए क्या है फीचर्स। जी हाँ, गूगल का स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, आप फीचर्स देख सकते हैं। RBI ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC के CEO के रूप में शशिधर जगदीशन के नाम पर मुहर लगा दी है। जी हाँ, HDFC के CEO चेंज हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं इनका नाम, जरूर नोट कर लें, एग्जाम में आने के फुल चांस है बैंक एग्जाम वगैरह में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चीन का लोकप्रिय वीडियो ऐप TikTok पर भारत के बाद अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने के लिए कमर कस चुका है, अपना कारोबार बेचने को कहा है। जी हाँ, अब भारत के बाद अमेरिका ने TikTok पे बैन लगाने के लिए बोला है और बोला है इसे हटा दे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए कल भूमि पूजन किया जाना है। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां भी की जा रही हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। जी हाँ, आज नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे और भूमि पूजन करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक श्यामलाल द्विवेदी आजकल सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में क्यों है, आप देख लेते हैं आगे। दरअसल श्यामलाल द्विवेदी ने ऐलान किया है कि जब तक राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक वो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। जी हाँ, इसीलिए सुर्खियों में है कि अन्न जल वो नहीं ग्रहण करेंगे जब तक शिवराज सिंह चौहान स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 2009 में मिगोयान गुरविंज लड़ाकू विमान बतौर गिफ्ट किया था, जिसे यूनिवर्सिटी के कैंपस में रखा गया था। अब ताजा खबर ये आ रही है कि लड़ाकू विमान MiG-23 को OLX पर सेल के लिए लगा दिया गया है। जी हाँ, जो भारतीय वायुसेना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को MiG-23BN जो लड़ाकू विमान दिया था उसको सेल पे लगा दिया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खात का एक साल पूरा होने के मौके पर श्रीनगर में दो दिनों 4 एवं 5 अगस्त के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। जी हाँ, इसी वजह से जम्मू कश्मीर में 2 दिनों 4 एवं 5 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। जी हाँ, कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी लेने या देने के लिए हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद +91 11 23 97 80 46 पर आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा हर राज्य में अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर। चलिए बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। अमेरिका इंटेल कैपिटल ने मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री में 0.39 इक्विटी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है। जी हाँ, आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 1894 करोड़ रुपए का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको बता देते हैं भारत की किस कार निर्माता कंपनी ने वाहन ली सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने के लिए जापान की ओरिएक्स कारपोरेशन से करार किया है। जी हाँ, आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा क्या, मारुति सुजुकी। चलिए आगे बात कर लेते हैं करंट अफेयर नंबर 3 पे। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी $209 बिलियन
वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। जी आप इसका आंसर बता सकते हैं, जल्दी जल्दी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर होगा टेस्ला। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इनमें से किस गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने हाल ही में लोन एट द रेट होम सर्विस शुरू की है? आप इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा मुथूट फाइनेंस। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। NPCI के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 के किस महीने में लोगों ने UPI से रिकॉर्ड 1.34 बिलियन ट्रांजेक्शन किया है? आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले। आप कमेंट बॉक्स बता दें ताकि आपका आंसर सही हो जाए। जी हाँ, इसका आंसर होगा जून महीने में। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत के किस राज्य की मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है? जी हाँ, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के जरूर पहले बता दीजिए मेरे बताने से पहले। चलिए अब हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले कौन से भारतीय अंपायर बन गए हैं? जी आप इसका आंसर बता सकते हैं मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर होगा तीसरे नंबर के बन गए हैं। इसका आंसर होगा, चलिए आगे बात कर लेते हैं आगे करंट अफेयर की। पीटर फुलटन ने हाल ही में किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच पद को छोड़ दिया? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, दक्षिण क्रिकेट टीम, अमेरिका क्रिकेट टीम। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, वो ये रही है। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फ्लिप ने पद से इस्तीफा दे दिया है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। जी हाँ, आप मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ, फ्रांस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करंट अफेयर ये रही। भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन। चलिए आप बताइए इसका आंसर मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आपको याद हो जाए। जी हाँ, इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।